हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम आपके अपने शो स्वैगी स्टार्स पर, जहां पर हम करते हैं आप ही के फेवरेट स्टार से स्वैग और चिल भरी बातें और दिखाते हैं आपको उनकी एक अलग ही साइड। तो चलिए करते हैं शुरुआत मेरे यानी कल्याणी वढेरा के साथ। तो आज जिस सोने सुनखे ऊंचे लंबे गबरू से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उन्हें अपने सपनों की रानी कुछ ऐसी भी नहीं चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा नखरे वाली हो। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ कादर थिंक की। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बात की आपके गाने के बारे में, बिल्कुल मैंने एंकर लिंक में बताया कि आपकी जो चॉइस है, जैसे आप गाने गाते हैं, तो रियल लाइफ के अंदर अगर हम कादिर को देखें तो रियल लाइफ में भी क्या कादिर ऐसे ही हैं? गानों में हर एक बंदे की लाइफ गानों में नहीं बेसिकली होती, क्योंकि हर एक बंदा जो पर्सनली है वो गानों में नहीं शो करना चाहता। अभी ये मेरी पर्सनल लाइफ है, या मैं ऐसा सा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, या मेरा फैमिली का जो मेरे साथ अटैचमेंट है, वैसा कुछ भी, मतलब कुछ भी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ भी। बहुत रेयर लोग होते होंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ को गानों में पोर्ट्रे करते होंगे, आई गेस, जो मुझे लगता है। उनमें से मैं नहीं हूँ एक तो वैसा सा कुछ भी नहीं। अगर हम रियल कादिर की अगर अभी हम बात करें, अब तो सॉन्ग नहीं है ना, तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर आपकी लाइफ पार्टनर की चॉइस होगी तो वो कैसी होगी? बेसिकली लाइफ पार्टनर का तो मतलब यही है ना, भी जो पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ आपके साथ रहे, तो जिसको मैं सह सकूं या जो मुझे सह सके। अच्छा, तो मतलब क्वालिटीज़ में यही आता है कि जो आपको सह ले और जिसे आप सह लो। क्योंकि आज का दौर ऐसा ना, हर एक बंदा, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, वो उनके अपने कामों में इतना ज़्यादा वो ज़्यादा इंडल्ज हैं, क्योंकि हर कोई आजकल मॉडर्न है। हमारी सोच भी मॉडर्न है, लोग भी मॉडर्न है, तो उस वजह से हमारी जो सोच है वो बदल चुकी है बहुत ज़्यादा। सो हमें लड़की को समझना चाहिए और लड़की को हमें समझना चाहिए। अगर ये सब कुछ सेटल्ड है तो आपकी लाइफ अच्छी है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूँ इसी के साथ, अगर आप अपने गाने की दो लाइनें हमें सुना दें। अच्छा, तो आपने जो बोला वो गाने के बारे में वही बोल रहे हैं जी। सोनिया दे हुंदे हदवा दे नखरे, हो असी सीधे साधे जे ख्याल वखरे, हो मापियां दा करे सत्कार चंदरी, ओ मौका लगदा है चढ़दे सियाल दा, उत्तों गोरी भी ना चलू, हो दिलों काली भी ना चलू, मुंडा कणक सुनहरी रंग पालदा। गला ठीक नहीं है? नो, बट बहुत अच्छा गाया। अच्छा, तो जैसे कि आपके लुक्स हैं, इतने अच्छे लुक्स हैं ना, मतलब मूछे भी, टॉल भी, इतनी अच्छी बॉडी भी, तो प्रपोजल्स कितने आए अब तक? प्रपोजल्स मैंने काउंट नहीं किए। अच्छा, मतलब बहुत सारे आए। जी, आते रहते हैं, बहुत लोग हैं जो, क्योंकि हर एक बंदे को आपकी ज़रूरी नहीं भी हर एक चीज़ पसंद होगी। कईयों को आपके कुछ गाने पसंद होते हैं, कईयों को आपकी कुछ क्वालिटीज़ पसंद होती हैं, तो मुझे ये लगता है जिस चीज़ को मेरी जो जो सी क्वालिटी पसंद है वो उस क्वालिटी को डिपेक्ट करके मुझे एक कॉमेंट आ जाता है, भी मुझे ये अच्छा लगता है। मेरी मूछों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो मैंने कटवा दी हैं वैसे अभी, तो मूछें मेरे पहले थी बहुत कुंडिया मूछा, तो वो इसलिए मैंने कटवाई बेसिकली, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल गाय इन माई ओन वर्क फील्ड, राइट? सो उस वजह से इस काम में जो मुझे प्रोफेशनलिज्म चाहिए वो ये है, भी अगर आपको अपने आप को बदलना भी पड़ रहा है किसी भी वजह से, तो उसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे लोग ना बैड कमेंट कर देते हैं मूछों के बारे में, भी आपने कटवा क्यों दी है ना। हाँ। पर उनको ये आई गेस आई वांट टू टेल देम, भी काम के वजह से अगर कुछ चीज़ चेंज करना पड़े तो परफेक्शन तभी आती है। हाँ। सो उस वजह से आई चेंज माई सेल्फ टाइम टू टाइम। तो चलो अब आपके करियर की बात करते हैं, जो सिंगिंग करियर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? सिंगिंग करियर की शुरुआत जो प्रोफेशनली हुई वो हुई 2013 में, जब मैंने अपना पहला गाना लिखा, खुद कंपोज किया और उसको बनाया, तो वो गाना था लॉस्ट सोना सोना। जी, पहला गाना, मेरा पहला गाना, जिसको जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था अपनी स्टडीज़ के लिए, तो तब मैंने उसको वीडियो शूट किया था वहाँ पे। तो वो करने के बाद मुझे प्रोफेशनली ब्रेक जो मिला उसका, वो 2015 में आई गेस मिला, 16 में आई गेस, मुझे इतना ईयर याद नहीं है, शायद 16 था आई गेस, या 15 था आई गेस, आई डोंट नो। तो उसमें वो गाना जब लॉन्च हुआ, तब आई फील भी प्रोफेशनली मैंने तब शुरू किया, पर गाना मैंने 2013 में बना लिया था। ओके। तो अगर जैसे सिंगिंग की जैसे शुरुआत की, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी है जो सिंगिंग से नहीं है, बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है ना, तो जो आपने सीखा, जो आपके गुरु रहे, वो कौन रहे? जिनसे मैंने सबसे पहले सीखा, सबसे पहले शुरू किया सीखना, वो है प्रोफेसर सीएल भल्ला। ओके। वो लुधियाना के रहने वाले हैं और वो ब्लाइंड हैं 4 साल की उम्र से। अच्छा। तो उनसे बहुत सीखा, आई गेस मैंने अपनी लाइफ के 6-7 महीने सीखा होगा,
तो वो मेरे लिए मुझे लगता है वही बहुत है, क्योंकि म्यूज़िक सीखना एक कोई वो दायरा नहीं है उसका, म्यूज़िक सीखने का वो जितना जब उम्र बढ़ती रहती है वो भी बढ़ता रहता है, तो जितना आप नया सीखते रहेंगे तब पता लगता रहे। तो मैंने अपनी लाइफ में अगर ज़्यादा सीखा है तो उनसे सीखा, प्रोफेसर सी एल भल्ला सर से। ओके, तो अभी भी ऐसा आता है कि आप उनके पास जाते हैं उनसे सीखने के लिए, उनसे एडवाइस लेने के लिए? मैं फ़ोन करता हूँ उनको, चला भी जाता हूँ उनके पास कई बार, तो उनसे पूछने के लिए भी कैसे इस चीज़ को मैं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अर्जेंट पैदा हो रही है किसी भी काम में, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, स्ट्रेट वे मुझे बता भी देते हैं ये चीज़ करो, राग कौन सा करूँ, या गानों का पूछना हो ये किस राग में उसको कंपोज करना है, तो वो बता देते हैं। तो अगर जैसे अब मैंने आपको बताया जैसे आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो नहीं है उस म्यूज़िक से नहीं है, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ रही आगे आने में और क्या कुछ फेस किया? मेरी फैमिली प्योरली म्यूज़िक बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब वो म्यूज़िक बैकग्राउंड से ज़रूर है पर प्योरली म्यूज़िक, जैसे हम कहते हैं ना हमारा ये घराना है या जैसे वैसा कुछ नहीं है, तो घराने से मैं बिलोंग नहीं करता आई गेस। बाकी मेरे पापा से पहले, उनसे पहले कोई अगर म्यूज़िक में रुचि रखता होगा वो मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं। आपने अभी बताया कि आप 2013 से इस लाइन में है ना, तो 2013 से 2018 तक का क्या कैसा सफ़र रहा और आपने क्या कुछ सीखा? सबसे बड़ी चीज़ जो आपको खुशी दे गई कि इन सालों में मैंने ये चीज़ सीखी है जो मैं हमेशा याद रखूँगा। जी, 2013 से पहले, थोड़ा सा पहले बात करता हूँ मैं, लाइक 2002-03 की जब मैं स्कूलिंग कर रहा था अपनी, तब मैं ये सोचता था जब मैं रियलिटी शोज़ देखता था सारेगामापा कुछ भी, तो ये सोचता था वहाँ बैठ के भी कई दिन, कोई दिन ऐसा आएगा जब मुझे लोग शायद प्यार देंगे या मैं सिंगर बन पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे बचपन का ही ड्रीम था। तो मेरे फादर को भी मैंने सुना था भी ये बन जाए तो अच्छा है कोई भी, पर उन्होंने कभी प्रोफेशनली मुझे इसलिए डाला क्योंकि वो स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, भी पहले स्टडीज़ ज़रूरी हैं, पढ़ना ज़रूरी है। तो वो होते 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 गया, सफ़र भी चलता रहा, फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया, तो जब प्रोफेशनली इस फील्ड में आया तो देखा भी लोग प्यार दे रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उससे थोड़ा सा पहले मैं ये सोच रहा था भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर सीखने को सिर्फ इतनी चीज़ मिली कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊँ या कौन से भी फील्ड में जाऊँ, कोई सी भी हो, अगर कोई सी भी होती एक्स वाई जेड कोई भी होती, उसमें सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने सीख ली तो आप आई गेस कभी हारोगे नहीं, वो ये कि कॉम्पिटिशन जो होता है वो खुद के साथ होता है, बिल्कुल वो किसी के साथ नहीं। बिल्कुल, मैं जो गाता हूँ शायद मेरे जैसा कोई नहीं गाता होगा या मैं उनके जैसा नहीं गा सकता, अगर मैं उनके जैसा गाने लग जाऊँगा तो लोग मुझे एक्सपेक्ट करेंगे मैं उनके जैसा ही गाऊँ। तो मुझे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए खुद से अच्छा गाना पड़ेगा। इन सब में फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा आपको? 500%। इस पूरी की पूरी सफर के अंदर एक ऐसा दोस्त या फिर कोई इंडस्ट्री में से ऐसा रहा हो जिसका आप हमेशा थैंक्स करोगे कि वो आपके साथ खड़े रहे? दोस्त कुछ थे भी, कुछ हैं भी, जो थे उन्होंने बहुत प्यार दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जो हैं वो पीछे हटते नहीं हैं, कि दोस्त तो होते ही इसलिए हैं अभी वो हमेशा आपके साथ हैं शुरू से, चाहे वो बचपन का दोस्त हो वो शुरू से आपके साथ हैं। तो दोस्तों में मैं नाम पता नहीं किन किन के लूँगा, किसी का लूँगा किसी का नहीं नाम लूँगा तो वो गुस्सा मान जाएंगे, तो जितने भी हैं वो मुझे देखेंगे कुछ भी तो उनका सबका नाम वो अपने आप लगा लें भी मैंने उनका नाम ले लिया ऑलरेडी। इंडस्ट्री में अगर मैं किसी को मेंशन करना चाहूँ तो वो वीडियो डायरेक्टर जोत हरजोत जी, रविराज लिरिसिस्ट जी, आई शुड कॉल अलाडी गिल म्यूजिक डायरेक्टर जी, हरदीप एंड जसप्रीत फ्रॉम देसी रूट्स, बिकॉज दीज आर दी पीपल विद होम आई स्टार्टेड वर्किंग राइट जी। तो ये लोगों का मैं नाम इंडस्ट्री में से लेना चाहूँगा, अगर कोई रह गया तो आई एम रियली रियली बिग लाइक मैं अपोलोजाइज करता हूँ उस चीज़ का, तो आई एम सॉरी। अच्छा, तो जैसे पहला सॉन्ग होता है वो हर एक के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो आपका पहला सॉन्ग रहा वो था लॉस्ट सोना सोना। जी जी जी, उसको स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ सोचा और क्या कुछ प्लानिंग्स की और कैसे रहा वो उसके बारे में? प्लानिंग वही, जब एक नया काम शुरू करने से पहले प्लानिंग, तो मेरी भी ये प्लानिंग थी भी काश ये 1,00,000 पहुँच जाए यूट्यूब पे, 1,00,000 व्यूज़ क्रॉस कर जाए, इतना कुछ हो जाए, तो मुझे था, तो वो धीरे 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 1,25,000 पे आई गेस स्टॉप कर गया था, तो आई वॉज रियली हैप्पी चलो 1,00,000 हो गया। तो मुझे फ़ोन आया, हेलो हाँ भाई गाना कैसा चल रहा है? मैंने कहा 1,00,000 हो गया यार, कहता यहाँ तो किसी ने सुना नहीं, यहाँ तो किसी से मुझे सुनने को मिला भी तुम्हारा गाना सुना भी है, मैं अगर इतनी बड़ी बेइज्जती 1,00,000 व्यूज़ किस चीज़ से क्यों गए, तो मुझे तो समझ ना आए। तो वक्त निकलता रहा अगला गाना जब आया, क्योंकि मेरे फादर ने सिर्फ ये बात बोली थी भी अगर आप कुछ कमर्शियल करोगे ना तो आपको लाइमलाइट मिलेगी, तो कमर्शियल का एक एंगल था वो मैंने कभी नहीं देखा। जब पहला गाना उसके बाद कमर्शियल किया रौंद, तब मुझे प्रोफेशनली एक नाम जो मेरा ऊपर आया, तो फिर वो भी 1,25,000 से 2,00,000 3,00,000 वो होता रहा,
जो पिछला खाना था। तो अब रौंद की बात चली है तो दो लाइनें रौंद की भी हो जाएं। हो जे तू हुसना दी राणी कट मैनू भी ना जानी जोड़ी तेरे ना बनाउणी मैं भी एहो बैठा ठाणी हो जे आखदे ने परी पर आकणा दी परी कहण तेरे डंगिया नू राह नहीं लभदा हो गबरू भी अलजी दरौंद वर्गा जिथे वजदा कसर नहीं कोई छड़दा ये रौंद। वेरी नाइस। तो ये सॉन्ग था जिससे आपको फेम मिला और लोग आपको जानने लगे। ओके तो जो एन जटी गाना आया वो इसका सीक्वल था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। लोगों को लगता है वो सीक्वल था इसका, पर नहीं था। बेसिकली वो लड़की सेम लेने की वजह से, जसलीन स्लैच उनका नाम, जो मॉडल थी इनमें, उनको गाने में लेने की वजह से लोगों को ये लगा भी शायद ये सीक्वल है इस गाने का, क्योंकि रौंद में भी वही लड़की थी। पर नहीं, रौंद 2 आज तक नहीं मैंने किया, वो करना है पर वो ऐसी कंपनी के पास है कि मैं दोबारा उनके साथ काम नहीं करना चाहता। सॉरी स्पीकिंग ऑन द कैमरा, तो उस वजह से मैं राउंड 2 नहीं कर रहा, ना कभी करूंगा। अच्छा, लेकिन लोगों ने तो मान लिया है कि ना एनजीटी सीक्वल था और हम उसमें खुश भी हैं, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है ना? तो उसकी भी अगर दो लाइन्स होगी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट गाना है एनजीटी। हो साली किवें दा जोरी ओ वी हद करगी जे मैं लजी दरौंदी ओ बरूद वरगी हो अख ओदी एदां शिकार करदी हो जिवें बॉर्डर ते लब के रडार मारदी हो एडी आवी जट्टी यारो नहीं हारदी ओ जदों मोढे ते दनाली रख गिड़ी मारदी। वेरी नाइस। ये लड़कियों को बहुत पसंद है ये, किया बेसिकली लड़कियों की वजह से था, क्योंकि लड़कों की फ्रेटर्निटी को पोर्ट्रे करने के लिए रौंद किया था। ये ऐसा सॉन्ग है जो एवरग्रीन रहता है लड़कों के लिए ना। आई एम रियली हैप्पी दैट, क्योंकि कई लोगों को ये लगता था भी नहीं रौंद बहुत ज्यादा चला है, तो मुझे नहीं पता भी, मुझे ये लग रहा है एंड जट्टी ज्यादा चला, क्योंकि रौंद के बाद आई गॉट सो मेनी वीडियोस ऑन एंड जट्टी, वीडियोस फ्रॉम भंगड़ा टीम्स हैं। अच्छा, जो उन्होंने लड़कियों की अकेली भंगड़ा टीम्स जो है उनकी, अमेरिका, कनाडा, दुबई, जहाँ के भी हैं वो, तो वहाँ से मुझे वीडियोस आनी शुरू हुई, तो मुझे थोड़ा लगा भी ये गाना ज़्यादा सुना है। जो 2017 में बेबे दी स्पोर्ट गाना आया वो एकदम आपके सभी गानों से अलग था। है ना, अलग था। तो उसका क्रेडिट किसको दोगे कि वो इतना चला भी और उसकी स्टोरी लाइन कितनी अच्छी थी, उस सब के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? तारीफ तारीफ तारीफ। तो यहाँ पे तारीफ होनी चाहिए जोत हरजोत की। ओके। जो डायरेक्टर हैं, वीडियो डायरेक्ट उन्होंने किया, जोत हरजोत ने इस गाने की, बेबी दी सपोर्ट की। आई पर्सनली फील दिस थिंग दैट आई वाज आउट ऑफ द लीग दैट टाइम, बेबी की सपोर्ट से पहले। मुझे क्योंकि पर्सनली ये लगता था, क्योंकि मैंने 1-2 गाने थोड़े ढीले दे दिए थे जो मुझे भी नहीं अच्छे लगते थे। okay. थोड़ी प्रॉब्लम्स सी थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स, क्योंकि गाना बनने में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती हैं, कुछ नहीं पता एट बैक ऑफ द कैमरा होता गया है, क्या नहीं, क्या नहीं, किसी को नहीं पता। वी ओनली सी दी 3-3.5 मिनट्स ऑफ द वीडियो, राइट? आफ्टर दैट वी डोंट नो दैट व्हाटसोएवर इज हैपेंड बिहाइंड द कैमरा, राइट? तो उन वजह से वो थोड़े ख़राब हो गए थे गाने, पर जोत हरजोत एक ऐसे इंसान हैं जिन पे मैंने विश्वास किया, अंधा विश्वास किया और सफल रहा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू जोत हरजोत जिन्होंने इस गाने की सारी स्टोरी लाइनअप की और एक फैमिली को, एक अच्छी फैमिली को, जो एक जुड़ के रहने वाली फैमिली को इस गाने में दिखाया कि एक दूसरे घर की लड़की को प्यार अपनी बेटी जैसा देना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से वो एक फैमिली पूरी बनती है, क्योंकि हर घर में बेटी को प्यार अगर मिल जाए, एक बहू को बेटी जैसा प्यार मिल जाए, तो उसके जैसी तो फिर फैमिली नहीं है ना, तो वो दिखाया था हम लोगों ने। तो जो लेटेस्ट सॉन्ग रहा वो रहा कनक सुनहरी। तो जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं 2018 के लिए, वो क्या हैं? वो इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ, पर मुझे पता भी वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। मैं पंजाबी जी गल कहना चाहना भी, कम घट करीदा पर अत करीदा। अच्छा, I believe in this line. I don't know who made this quote. I quote that thing and creator of this quote as well. भी कम घट करीदा पर अत करीदा। मैं चाहे लेट करता हूँ गाने अपने, 3-4 महीने बाद आते हैं, अब बैक टू बैक भी आएंगे, क्योंकि मैं अपना सारा डाटा इकट्ठा कर रहा था उसके लिए भी, जब लॉन्च हो तो बैक टू बैक 1.5-2 months के बाद गाना आए। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वजह से मैं अभी सिर्फ सारा कुछ तैयार कर रहा हूँ, पर अब जो आने वाला है विद इन अ मंथ, 1.5 months, कैंट कल बात। ओके, तो कादिर, जैसे कि जो आपकी गानों की चॉइस है वो क्या है एक्चुअली के अंदर, जो रियल अगर हम कादिर बोलें उसकी क्या चॉइस है? मेरी बेसिकली जो मैं गाने कर रहा हूँ ऑलरेडी, जो गाने रिलीज़ हो रहे हैं, अब तक रिलीज़ हो चुके हैं, वो मेरी चॉइस के ही हैं, वो कोई भी ऐसा गाना नहीं जो मैंने अपनी चॉइस से अलग जाके उसको पसंद किया हो। हाँ,
एक चीज़ ज़रूर है कि हर एक आर्टिस्ट मेरे हिसाब से जो गाने करते हैं, नाम नहीं लूँगा पर सबको पता है कौन से आर्टिस्ट हैं, वो कोई फोक वोकल्स है, कईयों की सॉफ्ट वोकल है, कईयों की सैड गानों में ज़्यादा अच्छी लगती है, कईयों की रोमांटिक में अच्छी लगती है. तो आई एम हैप्पी और मे बी मैं उन ब्लेस्ड सिंगर्स में से हूँ भी मैं सारे गाने निभा लेता हूँ. बिल्कुल, मैं शायद अपनी तारीफ कर रहा हूँ पर आई एम सॉरी. नहीं नहीं, ये तारीफ नहीं है, तो मैंने रब को हाजिर नाजिर करते हुए ये चीज़ बोली है भी आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम ब्लेस्ड विद द वोकल्स जिसको मैं रोमांटिक में, फोक में, सैड में, सॉफ्ट सॉन्ग्स में आई कैन यूज इट, आई कैन मोल्ड इट एनी वे. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो चॉइस है वो गल्ला मुकजानिया वाली है या फिर आपका अगर मैं फेवरेट सॉन्ग पूछूं जी ना? यही ना, तो वो वर्सेटैलिटी की बात अगर मैं करूं तो गल्ला मुकजानिया वाज एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी. आई मेड एन एक्सपेरिमेंट रिटन बाय मनिंदर कैले, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर ऑफ इंडस्ट्री. तो अभी भी रिसेंटली उनसे मैंने एक और गाना लिया, वो उससे भी एक अच्छा गाना मुझे लगता है अभी अच्छा गाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेसिस पे मैंने गल्ला मुकजानिया लिया था. घर में किसी को नहीं पसंद था. अच्छा, मैंने सुनाया था, अपने फादर को सुनाया था, वो बोल रहे थे भी ठीक है तुम देख लो, ब्रदर को पूछा ठीक है तुम देख लो. तो आई पर्सनली पेड फॉर दैट सॉन्ग एंड बॉट द सॉन्ग राइट. तो वो गाना जब किया, बन के आ गया, हो गया, तो लोगों से जब ब्रदर को, क्योंकि वो मुझे, ही इज माई बैकबोन बेसिकली, मैं ब्रदर, माई फादर, माई बैकबोन, माई फैमिली इज माई बैकबोन राइट. बट माई ब्रदर ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी जस्ट टू पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ पीपल, बींग माई मैनेजर इन फ्रंट ऑफ पीपल राइट. तो उसको मैंने जब सुनाया गाना तो वो बोला यार गाना अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया बन गया ना. तो उसके बाद आई वाज हैप्पी, चलो ठीक है भी इनको, क्योंकि हर बंदे की वो सोच नहीं है. तो अगर आप रियल कादर पूछ रहे हो भी वो क्या पसंद करता है, तो मेरी पसंद जो है वो गल्ला मुकजानिया भी है, वो रौंद भी है, वो एंड जट्टी भी है. और आने वाले गाने हैं जो बहुत ही अलग हैं, जो सुनते ही लोग ये सोचते हैं भी यार ये आप ही की आवाज़ है. क्योंकि मैंने जिनको भी सुनाया वो गाना ना, जस्ट टू चेक भी हाँ किस लेवल पे है गाना, तो वो मुझे यही पूछते हैं यार ये आपकी आवाज़ है, जो नए गाने आने वाले हैं. पर आई बिलीव एंड ट्रस्ट मी गाइज एंड पीपल दैट यू गोना लव दोस सॉन्ग्स. तो कादिर आप जैसे लिखते भी हैं, आप गाने लिखते हैं, तो आपने अब तक कितने गाने किए हैं जो अपने लिखे हुए किए हों? एक ही गाना किया. अच्छा. लिखे हुए हैं मेरे पास गाने. अच्छा. पर मुझे ये लगता है कि वो मेरे बस की बात नहीं है. अच्छा. इतना क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे अच्छे राइटर्स हैं जिनके साथ अगर मैं अपनी राइटिंग कंपेयर करूं तो शायद मुझे 100 में से -100 नंबर मिले. क्योंकि मैं उस लेवल का नहीं लिखता. बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं. मैं गाने की बात करूँ तो हाँ मैं शायद अच्छा गा लेता हूँ. तो मैं उसके लिए मैं आई एम श्योर फॉर दैट भी मैं प्रैक्टिस करके और अच्छा गा सकता हूँ. पर लिखना आई गेस मुझे मेरे लीग मुझे नहीं है इतना. अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे गाना मांगा हो कि कादिर हमें लिख कर? ये भी हुआ है. पहले पूछा था जब मेरा गाना जब नीचे लिखा हुआ था वहाँ पे रिटन बाय कादिर थन, कंपोज बाय कादिर थन, तब मुझे पूछते थे लोग अभी अगर आपके पास गाने होते हैं तो बेचने के लिए अभी आप, तो तब नहीं मतलब मेरे पास था ही नहीं कुछ बेचने के लिए. तो मैं कहता था उनको शायद अगर होता तो मैं बेच भी देता, मेरे तो पैसे बनते, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी. पर मेरे पास था नहीं कुछ. अच्छा, दैट वॉज द ओनली सॉन्ग रिटन बाई मी एंड आई हैव रिटन मोर सॉन्ग्स एज वेल बट मे बी दे आर पोएट्री, जस्ट द पोएट्री आई गेस. तो जो आपका सॉन्ग था लॉस्ट जी, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड था क्या कुछ? 1% भी नहीं. अच्छा, 1% भी नहीं. 1% भी नहीं. तो ऐसा कोई सॉन्ग अब तक लिखा भी नहीं है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो? नहीं. बात ये होती है अभी हम जो कुछ भी लिखते हैं या सुनते हैं आम रूटीन पे ना, वो थोड़ा बहुत मैच जरूर करता है. चाहे वो तुम्हारी फैमिली के साथ मैच कर ले, चाहे वो आपकी हम सफर के साथ मैच कर ले या गर्लफ्रेंड के साथ मैच कर ले, वो उतना परसेंटेज तो होता ही है. पर ये नहीं भी मेरी लाइफ पे बिल्कुल ही कुछ डिपेंड है और मैंने उसको पोर्ट्रे किया और उसको वीडियो के रूप में बना के लोगों के सामने पेश कर दिया, कभी नहीं हुआ. अच्छा, तो कादिर का इंटरेस्ट एक्टिंग में भी है? बहुत ज़्यादा. अच्छा, मुझे कल ऑफर आएगा मूवी का, मैं तो बोलूँगा हाँ करूँगा. अच्छा, तो इसके लिए आप सेशंस वगैरह लेते हैं या? नहीं, अभी तक मैंने नहीं एक्टिंग की प्रैक्टिस की. सीखना खुद से जितना आता है वो तो मैं कर रहा हूँ. मूवीज़ अब मैंने देखनी शुरू की हैं. पहले मैं थिएटर नहीं इतना जाता था, मुझे ये भी नहीं याद होता था मैंने कौन सी मूवी देखी है और कब देखी है, ये भी नहीं पता था, मैं थिएटर इतना नहीं जाता. अब जब से मैं यहाँ मोहाली शिफ्ट हुआ हूँ दोस्तों के साथ जिनके साथ हम लोग रहते हैं, उनमें राइटर भी हैं, जोत पाजी भी साथ में, रवि पाजी भी साथ में, तो ये लोग आई गेस हर हफ्ते इनको मूवी देखती हैं तो इनकी वजह से मैं भी चले जाता हूँ. अच्छा. मूवी देख लेता हूँ, जाके हम लोग मूवी देख लेते हैं, तो उसमें जो चीज़ें जो एलिमेंट सीखने वाले हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश मूवी है, चाहे कोई भी है, तो जौन से एलिमेंट मुझे पसंद हैं जो मैं सीख सकता हूँ, कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़, तो वहाँ पे जाके एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को देख के घर पे आके प्रैक्टिस भी हो जाती है. तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मूवीज़ देखनी शुरू की हैं.
तो कादिर बहुत बातें होगी, अपना थोड़ी गेम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें है नेवर हैव आई एवर। अगर आपको आपका आंसर हाँ है तो आई हैव दिखाना है, और नहीं है तो नेवर दिखाना है। करें शुरू? जी चलो। पहला क्वेश्चन कि कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो और वो गिफ्ट आपने किसी और को दे दिया हो, मतलब री गिफ्ट कर दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे बचते हैं भाई, पैसे बचते हैं। अच्छा, कौन सा गिफ्ट था बताओ? ये नहीं, तो गलत है, पर वो बहुत पुरानी बात है। अच्छा, वो तब मैं छोटा था, छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं। मैं तो ऐसा सा था, मैं गिफ्ट रैप भी संभाल के रखता था, भी उसी गिफ्ट रैप में उसको पैक करके वापस। ऐसे पापा में करते हैं ना दिवाली पे, तभी तो वहीं से तो सीखा था। अच्छा। वहीं से तो माँ बाप से तो चीजें सीखते हैं। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि एक टेक्स्ट किसी और को भेजना हो और गलती से मम्मी या पापा को चला गया हो? मम्मी पापा वाला एलिमेंट नहीं पता मुझे, उनको नहीं गया कभी। अच्छा, किसी और को चला गया था मतलब? नहीं, पर अब आप इसको और नहीं एलिबरेट करेंगे, ठीक है? नेवर। ओके, थर्ड क्वेश्चन। कभी ऐसा हुआ कि गलती से दूसरे वॉशरूम में चले गए, जाना जेंट्स में हो लेकिन वुमेन में चले? हाँ, अरे ये तो बहुत बार, अभी भी हुआ था। रिसेंटली हुआ? पर वो मुझे तभी पता लग गया था, खोलते खोलते वक्त ही पता लग गया था अभी वो लड़कियों का वॉशरूम। अच्छा जी, बहुत बार होता है। मैं हाँ अभी की बात है, बल्कि रिसेंटली। अच्छा। हाँ, तो जूते पड़ते बच गए, क्योंकि मुझे जानते थे ना लोग, तो वो जब था माय गॉड है ना, तो वो बच गया मैं, नहीं तो जूते बहुत पड़ते। कभी ऐसा हुआ किसी और का टूथब्रश यूज़ किया? हाँ, मैंने किया है। किसका? ये नहीं बताऊंगा। अच्छा, किया है। कभी ऐसा हुआ कि एक ही जीन्स हफ्तों तक पहनी हो? हाँ, ये मैंने हाँ बिल्कुल किया है। कब किया ऐसा? ये मैंने किया है आई गेस अभी रिसेंटली किया, क्योंकि मेरे पास धोने के लिए वक्त नहीं था, और कोई भी डेनिम मेरे पास पड़ी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको वॉश करवाऊँ या करूँ। हाँ। और जब मैंने देखा, चेक किया भी, सारी डेनिम्स मेरी वॉश करने वाली पड़ी हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ जब से घर से दूर आए हैं ना, तो मम्मी नहीं है, तो के बिना है ना, मम्मी के बिना तो फिर लाचार हो जाता है इंसान, तो लाचारी मेरी। तो फिर उस टाइम मम्मी की इंपॉर्टेंस पता लगती है ना। अरे मम्मी की इंपॉर्टेंस तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत पता लगी ना। हाँ, जब खाना भी खुद बनाना पड़ा। हाँ, खाना खुद, आटा गूंदना मैंने वहाँ पे सीखा। अच्छा। रोटी गोल बनानी वहाँ पे सीखी। अच्छा, मुझे अब तक नहीं आती रोटी गोल बनानी। हाँ, सीख जाओगे आप। शादी से पहले सिखा देंगे आपको आपके घर वाले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अपने से 10 साल छोटी किसी लड़के को डेट किया हो? नहीं जी नहीं, ये तो पाप है। 5 साल? 5 साल भी नहीं, 5 साल भी नहीं किया। अरे नहीं डेट किया मैंने भाई। यार ये तो झूठ बोल रहे हो ना आप कैमरा के सामने। नेवर ना, सच में बोल रहा हूँ, जूते खिलवाओगे घर से। अच्छा, पर ये सच्चा है, like I want to tell people, trust me, I have never done this thing. मुझसे तो 3-4 साल छोटी लड़की मुझे सिस्टर ही लगती है, अभी बच्ची बच्ची बोल देता हूँ उनको, बेटा कैसे हो। मैं बेटा बोल देता हूँ, बेटा कैसे हो। अच्छा, ऐसे बोलता हूँ। चलो अगली गेम है रैपिड फायर। ओके, ठीक है। अगर आप अभी के अभी इनविजिबल हो जाओ तो आप कहाँ पे जाओगे सबसे पहले? मैं इनविजिबल होके गलत काम तो नहीं करेंगे, पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो सदा के लिए इनविजिबल तो नहीं रहेंगे ना। कभी ना कभी तो दुनिया के सामने ना। इनविजिबल होके मैं उन सबको चमाट लगाऊंगा जिन्होंने मुझे परेशान किया। जिन्होंने मुझे परेशान किया, कोई भी हो वो, चाहे कोई भी हो, जिस बंदे ने मुझे परेशानी करी है, तो अगर मैं इनविजिबल हो जाऊँ तो काफी, एक चमाट तो कम होगा, बहुत पीटूंगा उनको। अच्छा, खूब पीटूंगा। अच्छा, तसल्ली से। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो आपके पास है जिसे आप अब अपने पास रखने पे रिग्रेट करते हो कि मैंने क्यों खरीदा और इस पे क्यों पैसे खर्च किए? जूते हो गए। अच्छा। कुछ घड़ियां हो गई। अच्छा। कुछ सनग्लासेस हो गए। अच्छा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे पास जो पड़ी हैं, जूते पड़े हैं, वॉचेस पड़ी हैं, सनग्लासेस पड़े हैं, वो मैं यूज़ नहीं करता, तो मुझे ये लगता है यार ये वेस्ट कर दी, काश मेरे पास ये पैसों के रूप में पड़े होते तो मैं कुछ अच्छा ले लेता, तो उस मौके पे ना मैं उसको सेल कर सकता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, और उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे, डेप्रिसिएशन हो गई है उसकी, तो वो पैसों की बहुत किल्लत महसूस होती है मुझे, क्योंकि आज गाने खरीदने ना तुम्हें, तो गाना भी तो कितना महंगा मिलता है, 1 लाख का गाना, 1.5 लाख का गाना, 70,000 का गाना, इतने महंगे गाने हैं, तो घड़ियां बेचारी अगर एक दो बेच के उतने एक आधा गाना बेचारा दे देता। हाँ, बंदा तो आज फायदा हो जाता। सही बात है, तो आज नुकसान में थोड़ा सा। अच्छा, ऐसी कोई आपकी सबसे बड़ी एडिक्शन? एडिक्शन आई गेस माय फैमिली। ओके, माय फैमिली इज माय एडिक्शन, बिकॉज व्हेन आई वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई मिस्ड माय फैमिली टू मच, मे बी दैट वाज द टाइम व्हेन आई मिस्ड माय फैमिली अ लॉट, बिकॉज जाने से पहले मैं चाहता था मैं जाऊँ, पहुँच के मैं चाहता था मैं वापस जाऊँ, तो माय मेन एंड The biggest addiction is my family. सब बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत family person हो ना? हाँ, kind of a family person. Not kind of a family person, I am a family person. क्योंकि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन,
मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई सॉन्ग जो आपको किसी लड़की की याद दिलवाता है, वो कौन सा सॉन्ग होगा? लड़की 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 की याद नहीं कभी आई। अच्छा, मतलब लड़कियाँ आपको याद करती हैं, आप लड़कियों को याद नहीं करते? ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ, तो कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिससे कोई ऐसा सा सीन हो, क्योंकि पहले मैंने बताना कोई भी गाना मेरा ऐसा नहीं है जो मैंने किसी लड़की के लिए लिखा हो या कुछ ऐसा हो। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, टोटली अ क्लीन पर्सन, वाइट कॉलर गाय, ऐसा है। ओके, अगर कादिर आप अपने आप को 1 to 10 के स्केल के ऊपर गुड लुकिंग नंबर्स देना चाहेंगे तो आप अपने आप को कितना नंबर दोगे? मैं अपने आप को, हर बंदा अपने आप को 10 नंबर देगा, मैं भी आपको 10 नंबर दूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू सो मच कादिर हमारे शो पर आने के लिए। तो अगर इसी के साथ आप अपने एंड में व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो? व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को आप सुनते हैं, प्यार देते हैं, हमारे सोशल जो फैमिली है, आपको मैं एज अ सोशल फैमिली कहना चाहूँगा, क्योंकि सोशलिज्म में जितना ज़्यादा हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपने जितना ज़्यादा हमें प्यार दिया है और दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मैं एक बात बोलूँ तो सिर्फ इतनी बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे गानों को सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट सुने, क्योंकि आई गेस हम जो भी कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लेके आते हैं आपके सामने वो एज एन एंटरटेनमेंट ही होता है, वो किसी की लाइफ के ऊपर नहीं डिपेंड करता, या उसको आप अपनी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर लें और उसको इम्प्लीमेंट करें कहीं पे, आई डोंट वांट दिस टू हैपन, या कोई चीज़ हम गानों में यूज़ करते हैं वो किसी वजह के लिए हो सकती है, कोई उसके उसके बहुत अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं गैस, तो उनको सब कुछ सोच के इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें अगर करना चाहते हैं। सैड हैं सैड गाने सुने, खुश हैं खुशी वाले गाने सुने, भंगड़े वाले गाने सुने तो डांस करने का मन कर रहा है वैसे सुने, तो हर गाने को उस हिसाब से, ये नहीं कि अगर कोई आर्म्स एंड एमिनेशन वाला गाना है उसको आप सुन के शादी पे गोलियां चलाएं, है ना, तो वो गलत है, तो वो नहीं कहा उसमें, पर जिन्होंने जिन जिन गानों में वो चीज़ डिपेक्ट है वो आप सुने मत, और जो अच्छे हैं उनको सुने, तो उसको आप स्कैटर कर करके एक अच्छी सी चीज़ निकाल के लिखें और सुने उसको, दैट्स इट, दैट्स इट। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सभी से विदा, मिलेंगे अगले शो में, टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे इन स्वैग।